सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। देश में इन दिनों चर्चा का विषय बनी सीमा सचिन लव स्टोरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर केस की अब UPATS जांच करेगी। दरअसल नोएडा पुलिस ने लेटर लिखकर मांग की थी कि सीमा हैदर मामले की जांच स्पेशल एजेंसी से करवाई जाए। अब इस केस की जांच UPATS करेगी, साथ में उनकी मदद करेगी पुलिस हेडक्वार्टर की एक टीम। यह एक संयुक्त जांच होगी। बता दें, सीमा हैदर की बैकग्राउंड और उसकी बताई कहानी को पुलिस वेरीफाई करने में लगी थी। अब सीमा के मोबाइल फोन से लेकर उसके सोशल मीडिया पर सक्रियता को भी जांचा जाएगा। UPATS सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते भारत आने के पूरे रूट और नेटवर्क को खंगाल रही है। इस पूरे मूवमेंट के दौरान सीमा हैदर के मददगार उसने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया, पूरा डाटा खंगाला जाएगा। सीमा हैदर के साथ साथ ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन का भी बैकग्राउंड UPATS खंगालेगा। सचिन कब से सीमा के संपर्क में था, दोनों ने बातचीत के लिए किन किन नंबरों का इस्तेमाल किया, किस किस इंटरनेट ऐप के जरिए बात करते थे, इसका डाटा खंगाला जा रहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी सीमा हैदर के पाकिस्तान में बैकग्राउंड चेक करवा रही है। सीमा हैदर का पूरा प्रोफाइल और पाकिस्तान में उसके परिजनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर केस लगातार सुर्खियों में बनी हुई। एक तरफ लोग सचिन सीमा का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग जो सीमा को खुफिया पाकिस्तानी एजेंट बता रहे हैं। प्रेमी के लिए 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से बिना वीजा भारत आई सीमा हैदर सुर्खियों में होने के साथ ही खतरे में भी है। एक अहम सवाल ये भी है कि क्या उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा या भारतीय वीजा मिलेगा। इस समय सीमा उस मोड़ पर खड़ी है जहां उसे सरहद पार और भारत में भी जान के खतरे की आशंका जाहिर की जा रही है। रविवार को ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। यह हमला सीमा के लव स्टोरी की वजह से किया गया, ऐसा हमलावरों का दावा है। अब अगर बात भारत में सीमा की सुरक्षा को लेकर करें, तो एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि सीमा जिस तरह मुस्लिम से हिंदू बनने का दावा कर रही है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई सिरफिरा भीड़ या पत्रकार का चोला पहनकर उस पर जानलेवा हमला कर सकता है। पुलिस सीमा की सुरक्षा बढ़ाने पर गौर कर रही है, फिलहाल उसे पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा को भारत में रहने का वीजा मिल सकता है। इस बाबत सूत्रों का कहना है कि सचिन बतौर पति इसके लिए अर्जी देता है, तो सीमा को लंबी अवधि का वीजा मिल सकता है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।